ये देखो धूप में कैसे झूला झूल रहा है मस्त आराम से। ये देखो नीचे आया, ये थोड़ा भारी है, इसको चिकन जा रहे हैं अपन जू के लिए, जिसका टिकट हमने पूरी दी हुई है सामने 60 रुपीज़ पर पर्सन, और ऐसी गाड़ी रहती है और ये जाएगी यहाँ से ऊपर। ऐसे पैदल भी जा सकते हो, पैदल जाने में लाइक 10 से 15 मिनट लगता है। अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो आप पैदल जाओ। लास्ट टाइम मेरा व्लॉग अपने पता होगा कि मैं पैदल बैठ जाओ पीछे ही चले, इस बार गाड़ी से जाके भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है, तो इस बार गाड़ी वाला एक्सपीरियंस करते हैं। और अब चलते हैं ऊपर, देखो अब चलो भैया, और थोड़ा कैमरा हिले तो उसके लिए खेत है भाई। स्टैंड यहाँ होती गाड़ी खड़ी, अब जो वहाँ से ऊपर से ऊपर थोड़ा सा जू है चलना है, और फिर जू से आके यहीं से ही दोबारा टिकट दिखा के आप बैठ सकते हो। बैठने का सीन ऐसा है, जो टिकट आपको मिला है वही टिकट आप दिखाओ और किसी भी गाड़ी से उतर सकते हैं नीचे। अगर रश होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर गार्ड रहते हैं भैया, वो नंबर लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बैठने के लिए उतरने के लिए कोई सीन नहीं है, और वहाँ से तो आप टिकट लेके आते ही हो। तो हम लोग कितना नीचे से आ रहे हैं देख रहे हैं, वो रही लेक दिख रही है वहाँ कहीं नीचे से यहाँ तक आ गए हैं, और यहाँ का व्यू देख रहे हो कितना चला। सो फाइनली भैया वहाँ नीचे से यहाँ ऊपर आ गए हैं, वैष्णो देवी माता की चढ़ाई चढ़ते हुए वैसा ही फील आ रहा है। अब लेते हैं टिकट जो कि 150 रुपये का है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यहाँ एक रेस्टोरेंट है, थक जाओगे भाई आके, आइसक्रीम खाना पीना जो कुछ भी खाना पीना है। अब लेते हैं टिकट और चलते हैं। हाय राम, ये देखो लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना। दो तीन घंटा घुमाते हैं आप लोगों को। तो भैया एक और अपडेट, टोकन देख रहे हो 247 का, मेरे पास प्लास्टिक की बोतल थी, तो ये रही प्लास्टिक की बोतल जो अंदर नहीं जा सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको 100 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, वो आपको रिफंड हो जाएगा लौटते टाइम, और ये ऐसा टोकन मिलेगा, समझे। आप चलते हैं आगे, चलो
आपको दिखाते हैं शेर, बंगाल टाइगर। अरे यार अंदर चला गया, अभी बाहर आने दीजिए फिर दिखाता हूँ। वो देखो आ रहा है, जूम करता हूँ, देखो देख रहे हैं, ये रहा सी, देखो भाई देखा है मस्त। अरे रहने दो यार, इसके दांत देखो यार। रखा भाई चला गया, ये देखो देख रहे हो, अरे देखो नीचे आया, ये थोड़ा यार और अब दिखाता हूँ आपको भालू, वो देखो जूम कर रहा हूँ, देखो आई होप क्लियर दिख रहा होगा, देखो एक भाई इसमें सो रहा है, वो देखो एक यहाँ सो रहा है, दिख रहे होंगे आपको, धूप का मज़ा ले रहे हैं लोग। ये देखो भाई लोग बियर सो रहा है मस्त, खाना ना खा के पेट भरा होगा तो मस्त सो रहा है ना। आपको अब आपको दिखाते हैं हिमालयन घूरल, सॉरी ये देखो इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ से पढ़ लेना और दिखा देता हूँ आपको। एक तो देखो ये घूम रहा है और एक यहाँ पे बैठा हुआ है, वो दिखाता हूँ, ये देखो बैठा हुआ है समझे, और टहल रहा है वो, ये रहा देख रहे हो। अब देखो सांभर पढ़ लेना पॉज करके, मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ ताकि आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ भी सको कि क्या है क्या नहीं है। वो देखो नीचे धूप में चल रहे हैं, जुटे हुए हैं खाना पीना खाने में, है ना, ये रहे। आपको एक मैं मस्त झन्नाटेदार चीज दिखाता हूँ, वो क्या वो देखो देख रहे हो कौन है, ये पढ़ लेना यहाँ से, है ना, और कर क्या रहा है वो देख लेना यहाँ से। ये देखो धूप में कैसे झूला झूल रहा है मस्त आराम से, वो उतरा एक वहाँ पे है वो रहा और एक ये रहा, ये देखो महाराज कहाँ गए रे, ये रहा आयो, ये देखो ओए, ये देखो हाय। आई होप आपको ये जू पसंद आया होगा, पिछली बार भी मैंने आपको ब्लॉग्स में दिखाया था, आप चाहो तो प्रीवियस ब्लॉग्स में देख लो, इसमें देख लो। अब यहाँ से निकलते हैं और हो सकेगा तो वोटिंग आपको करके दिखाते हैं,
और कुछ समय बचा तो कुछ और दिखा देंगे, चलते हैं। और ये जो है देखें, भैया से अपना पैसा रिफंड करा दो भैया। बोतल ये रही सर, ये रही 100 रुपये दे दो। थैंक यू भैया। तो भैया हम गए थे थक, सो हमने सोचा कि नेस्कैफे की एक कॉफ़ी मार दी जाए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हमारा ब्रेड पकौड़ा भी तैयार हो गया है, वो ले लेते हैं और वो भी खाते हैं। दो ब्रेड पकड़ खाएगा अपन। ये रहा, क्या बात है भैया, दो हैं ये दो। ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं फिर आगे का कार्यक्रम चालू कर। देखो भाई ये है कुछ इस प्रकार है अपना खाने पीने का सीन। ठीक, 2 ब्रेड पकौड़ा एंड 1 कॉफ़ी, इधर बैग ये, और ये रहे हम, इसको ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। तो भाई नाश्ता पानी जमा जमा हो गया है, अब चलते हैं नीचे की ओर जहाँ से टैक्सी वो बस वो टैक्सी मिली थी कार वहीं पे, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि वो जो गाड़ी एक खड़ी थी वहाँ पे उतरने के लिए, मैंने आपको बताया था वही टिकट दिखा के आप उतर सकते हो। सो हुआ क्या, वो गाड़ी थी पंचर तो वो बना रहे थे, खुल नहीं रहा था, और दूसरी गाड़ी नीचे से अभी कोई आई नहीं है। सो मैंने सोचा कि उधर चलते हैं पैदल ही, नीचे चले चलते हैं ऐसे ही, कोई बहुत दूर नहीं है, यही रास्ता है, धीरे धीरे उतरते हुए चलते हैं, और कोई एक आध व्यू मिला दिखाने लायक तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, अच्छा हुआ तो। अदरवाइज़ हम तो घूमते घामते जा ही रहे हैं, मौसम बहुत मस्त है, मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो दोस्त प्लीज़ डू हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पे अगर नए हो तो, और आगे साथ जुड़े रहो। उतरते टाइम बीच में एक जगह पड़ती है होटल, एक उसका टेरिस है, और यहाँ से व्यू देखना क्या ज़बरदस्त आता है भाई, मैं दिखाता हूँ आपको, और इन्जॉय करो, देख के बताओ कैसा फ़ील आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। देखो पूरा नैनीताल दिखेगा आपको यहाँ से, आई होप विजिबल होगा। देखो कितना प्यारा लग रहा है झील के साथ, क्या व्यू है। सी मस्त है, तो यही दिखाना था आपको। सो भैया अपन लोग बैठ गए हैं बोट पे, और ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है वो लेक का, ये है भैया हमारे साथ, और अब चलते हैं बोट का एक्सपीरियंस कराते हैं, जिसका प्राइसिंग 210 रुपये है, और आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लाइक 25 to 30 मिनट्स घुमा देंगे आराम से भैया लोग। तो कहीं से भी कर सकते हो, उधर भी सारे पॉइंट हैं, उस साइड भी है, हमारी बोट जो है वो घूम रही है। तो देखो वो देखो मस्त झन्नाटे जब सूरज निकला हुआ है, धूप हो रही है बढ़िया सी, पानी देख रहे हो कैसा चमक रहा है सोने जैसा, मस्त लोग लगे हुए हैं भाई बोटिंग में करने में, हम भी लगे हुए हैं एक्सपीरियंस करने में, सोलो ट्रैवलिंग के मज़े ले रहे हैं भाई, देख रहे हो मस्त बैठे हो कैसे आराम से। भैया इस झील की गहराई कितनी होगी? 120 फीट मिनिमम, और ये लंबाई भी कितनी होगी ये पता है? 4 किलोमीटर। देखो वहाँ से शुरू होती उधर, वो उधर कहीं से वहाँ से, और ये पूरी इधर जाके इधर भी इतना ही है, लंबी तो है गुरु। और व्यू देख रहे हो इधर,
इस तरफ वाले भी देख लो मस्त कैसी धूप धूप आ रही है अच्छी वाली। और इधर साइड देखो छाँव में। तो ये सब तो भाई आपको पहाड़ों में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। अभी देखो इतने में धूप है यहाँ तक, और इधर वाले पे धूप नहीं है। और उधर देखो फिर उधर इतने में धूप है। ये सब होता है भाई मस्त एकदम देखने में। और ये जो सामने आपको दिख रही है को वही बस स्टैंड जिधर है उधर से होते हुए हम लोग इधर से आए हैं। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही फेमस, आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, ठंडी सड़क बोलते हैं इसको। अब ठंडी सड़क क्यों बोलते हैं इसके पीछे कारण है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती है और ये हमेशा ठंडा बना रहता है, इसलिए इसको ठंडी सड़क बोलते हैं। और उधर साइड का जो व्यू देख रहे हो उधर धूप आ रही है, भी चल के दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू हो जाती है ना, वो देखो उस साइड आपको धूप दिख रही है झील के उस पार, और इस साइड इस पहाड़ की वजह से धूप नहीं आती है, तो इसको ठंडी सड़क इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है और मुझे भी यहाँ ठंडा लग रहा है। तो ये ऐसे ही अंदर अंदर चले जाओगे तो जो हम लोग गए थे क्या कहते हैं नैना देवी मंदिर ना, ये सीधे वहाँ जाके निकलती है समझे। और अपना जो होटल था वो इधर साइड था, वो चौराहा दिख रहा है बस स्टॉप के पास, वहाँ से आए थे हम लोग समझे। अभी आए हैं कैफ़े में, वहाँ बैठे हुए हैं और मैंने एक कैपेचिनो बोली थी मस्त सी वो मंगाई है और एक बोला था छोटे समोसे। चलते हैं होटल पे, होटल वाले साले चाय छीन बना पाते हैं। ये सामने आप लेक भी लो, सामने ही है नजर होगा आपको, यहाँ अपनी कॉफ़ी है पियो आराम से मस्त। ये रहा भाई अपना समोसा और छोला, देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रहा है, बाकी खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है ना। अब फाइनली आ गए भाई अपने होटल की तरफ और चलते हैं रूम में, करते हैं थोड़ा रेस्ट। ये अपना होटल नंबर रूम नंबर 19। ये देखो भाई थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला हूँ और नाइट का व्यू देखो कैसा लगता है नैनीताल नाइट में, देख रहे हो कैसा चमक रहा है भाई, बेहतरीन एकदम फर्स्ट क्लास। देखो नाइट व्यू है, सो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हिट करना लाइक का बटन और नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में इस ट्रिप के, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखो और मस्त रहो। जय हिंद जय भारत।